बागेश्वर धाम के बाबा यानी कि बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। इस खास रिपोर्ट में हम उन्हीं की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिए जाना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग सनातन परंपरा को नहीं जानते, इसकी विचारधारा को नहीं समझते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या सम्मान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बीते दिनों में कई जगह शोभा यात्राओं पर पथराव किया गया, राम को काल्पनिक बताया गया, देवी पंडालों में आग लगाई गई और इससे यह सिद्ध होता है कि लोग सनातन विरोधी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिन लोगों को सनातन से दिक्कत है, उन लोगों का महाकुंभ में आखिर क्या काम। एक इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि अखाड़ा परिषद की ओर से मांग रखी गई है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने की अनुमति न दी जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर कहा कि वो इस मांग से पूरे तरीके से सहमत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सनातन का ज्ञान हो, हिंदुत्व का ज्ञान हो, महाकुंभ का ज्ञान हो और ऐसे ही लोग वहां काम करेंगे तो किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं और किसी के व्यापार के खिलाफ भी नहीं। हालांकि बागेश्वर बाबा ने कहा कि पिछले दिनों में थूक कांड जैसी कई घटनाएं हुई हैं और इसने महाकुंभ में पूरे तरीके से गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। यह भी बताना होगा कि बाबा बागेश्वर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। उनके बयानों को अक्सर लोग विवाद भी खड़ा कर देते हैं, उन्हें बड़ी संख्या में लोग सुनते भी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। महाकुंभ में स्नान के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं की भीड़ जुटती है। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो जाएगा। इसमें करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। दुनिया भर की तमाम बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। कई अखाड़ों के प्रमुख और धर्मगुरु भी यहाँ 2 महीने तक रहेंगे। दुनिया भर की मीडिया की भी इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।